कहते हैं ना कि जिंदगी में हार और जीत जीवन के पहलू हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। ये जिंदगी का फलसफा हर इंसान को अपने जीवन में लागू करनी चाहिए और उससे जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, अब आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि हर कदम पे यहाँ कठिनाइयां हैं और उसको पार करके जो आगे बढ़ता है वही इंसान वही बाजीगर कहलाता है। तो दोस्तों, आराराम की टीम के साथ मैं मुकेश सिन्हा आपके सामने फिर से हूँ। आज मैं जिन शख्सियत से मिलने वाला हूँ उनके बारे में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि वो सामाजिक स्तर पे साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं, सामाजिक स्तर पे बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत स्तर पे काम किया है, बहुत सारे रेड क्रॉस और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिन पे जुड़ के अभी तक काम कर रहे हैं, साथ साथ वो प्रोफेसर भी रहे हैं। तो उनकी परिचय मैं अपने छोटे मुँह से नहीं कर सकता, इसलिए कि उनका गुणगान वो खुद करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आइए मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आरानामा की टीम उनका स्वागत करती है। सर, स्वागत है हमारे आरानामा पे आपका। आप अपना परिचय, क्योंकि मैं देने में असमर्थ हूँ, नहीं दे सकता, तो आप खुद अपना परिचय दें, क्योंकि दर्शक बहुत जानना चाहते हैं आपके बारे में। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा है। मैं यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर मेरा पैतृक गांव धमार है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने सर ने बताया कि वो धमार से रहने वाले हैं, काफी पास में है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, और आरा से 7 किलोमीटर के अंतराल पे है। अब उनसे जाने उनकी उनकी जो जिंदगी है, स्कूलिंग जो हुई है धमार में ही हुई है, इतनी तो जानकारी है मुझे। अब जानना चाहेंगे कि कॉलेज स्तर पे आने के बाद सर आप कॉलेज में प्रोफेसर बने, इसके पीछे आप कैसे, किसको देखते हैं, क्या आपका रुझान रहा, कैसे आपने मतलब लेक्चरशिप क्वालिफाई किया और फिर आप प्रोफेसर बने? मैं प्रारंभिक स्कूलिंग जो हुआ वो TAGA विद्यालय, फिर मिडिल स्कूल, फिर TAGA हाई स्कूल जी, उसके बाद यहाँ महाराजा कॉलेज में मेरा 72 में नामांकन हुआ जी, और इंटरमीडिएट में ओके, और फिर यहाँ से इंटरमीडिएट के बाद BSc, और उसी क्रम में उस समय तत्कालीन प्रधानाचार्य स्मृति शेष प्रोफेसर जगदानंद पांडे जी थे, कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जगजीवन कॉलेज के, जगजीवन कॉलेज थे, और हम लोग के मठिया के पास ही जाते थे, तो ज़्यादा ज़्यादा मैं भी जाता था, तो पारिवारिक रिलेशन था, आते जाते थे, और मित्रों के साथ तो स्वभाव से कम बोलते थे सब, तो आपसे प्रभावित थे, जाते आते थे। तो एक बार क्या करते हो, तो सर ने जैसे बताया कि उन्होंने आते आने जाने से इनका रिलेशन बन गया था, और उन्होंने एक बार पूछ दिया इनसे तुम क्या करते हो, क्या कर रहे हो, इस तरह से। तो उसके बाद इनकी क्या मनोदशा रही और क्या इन्होंने रिप्लाई किया सर की जबानी सुन, तो उस वाक्य को सर की जबानी जानना चाहेंगे कि आखिर उसके बाद क्या हुआ, इनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया। प्रधानाचार्य ने हमसे कहा क्या करते हो, तो कहा कि ठीक है चलो हम देखते हैं, और उनके कृपा से कॉलेज में जब कंसुमेट हो रहा था उस समय नौकरी, उस समय नॉन टीचिंग की नौकरी जो थी वो उनके सहयोग से हुआ जी जी। और उस समय से मैं 10 जुलाई 1981 से कॉलेज में नौकरी आया, और उसके बाद से कॉलेज में लगातार, चूँकि पढ़ने का ही शौक था जी जी, तो उस समय मात्र BSc थे, फिर ऑनर्स किए, फिर जूलॉजी में MSc। BSc होने के बाद उस समय ऑनर्स अलग हुआ करता था? हाँ, स्पेशल ऑनर्स करके हुआ, क्योंकि अच्छा। आगे पढ़ने के लिए ऑनर्स अच्छा। जरूरी था, ऑनर्स के माध्यम से ही MSc में एडमिशन होता था, तो स्पेशल ऑनर्स किए, और बोटनी में किए तो बोटनी में MSc किए, फिर जूलॉजी किए तो जूलॉजी में MSc अच्छा, किए, डबल 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 ऑनर्स और डबल MSc, बोटनी MSc है, जूलॉजी अच्छा। MSc है, दोनों फर्स्ट क्लास का है। अच्छा, तो बढ़िया 70 तो मतलब प्रोफेसर लेक्चरशिप में गए किस सब्जेक्ट में? हाँ, ये बता दें। और उसके बाद पहले जब बोटनी ज्वाइन किए तो बोटनी में पढ़े,
जूलॉजी में, उसके बाद फिर बोटनी में, जब हम लोग एक सीनियर विनोद जी का प्रमोशन हो गया तो फिर बोटनी में आए, और बोटनी में यहाँ भी डेमोंस्ट्रेटर के पद पर ही नौकरी शुरू किया, और उस समय से लगातार जो सेवा में रहे उस समय से लगातार सेवा में लगे रहे, और पढ़ाई का काम उसके बाद फिर पीएचडी किए, एलएलबी किए, और ऐसे एजुकेशन के मामले में तो ये सब चीजें आपकी पढ़ाई के साथ साथ सब पढ़ाई के स्टूडेंट को पढ़ाते भी थे उस समय, और ये सब उस समय जो एक व्यवस्था थी कि हम लोग पढ़ने के लिए मॉर्निंग क्लासेज होती थी, तो मॉर्निंग क्लास करते थे और हम लोग का डे चलता था, तो मतलब बच्चों को पढ़ाने डे होता था जो कॉलेज कॉलेज जो चलते थे उस समय हम लोग के समय में, तो इस हिसाब से मतलब दोनों साथ साथ हो जाता था, इसके लिए बजाबता है यूनिवर्सिटी से परमिशन लेके सब जितना जो काम हुए हैं पढ़ाई पढ़े हैं ये सब विश्वविद्यालय से परमिशन लेके किए, और इवन मतलब जो पीएचडी का मेरा टॉपिक था उसमें प्रोफेसर सी एस वर्मा हमारे गुरु थे और उनके सानिध्य में किए, माइकोटॉक्सिन का जो टॉपिक था नया था, कैंसर से संबंधित था, तो इसका भी यहाँ कोई होने कोई व्यवस्था नहीं थी, तो जैन कॉलेज महाराजा कॉलेज, फिर मगध यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद भागलपुर गए तो वहाँ कुछ काम हुआ, फिर बीएचयू गए। पीएचडी करने में इतना 4 साल लगे जो नया टॉपिक था, तो इसका कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो लेकिन उसके बाद भी हमारा पीएचडी हुआ। सर सुना जाता है कि आप कॉलेज लाइफ से ही सामाजिक कार्यों में बहुत संलग्न रह करते थे, कितनी सच्चाई है इस बात में? इसको इस संबंध में इतना ही कहना चाहेंगे कि विद्यार्थियों से बहुत लगाव रहा और उन सबों को बराबर एक मोटिवेशनल काम करते थे कि भाई चलो सामाजिक काम करो। ये क्या क्या करते थे उसमें? उस समय बच्चों के साथ जैसे सफाई, सबसे पहले तो कॉलेज की सफाई, तो उस समय आप प्रोफेसर लोग सफाई ये सब क्या करते थे? स्टूडेंट से, ये बच्चों से करवाते थे, एनएसएस के जो लड़के रहते थे, एनसीसी के लड़के रहते थे, और जो पढ़ने वाले जो हम लोग से जुड़े रहते थे उन लोगों से आदमी बराबर काम कराता था, खेलकूद में हम भी रहते थे, तो उस समय स्वीपर वगैरह नहीं रहा करता था? स्वीपर का अलग रोल था ना, जैसे कॉलेज कैंपस है वहाँ लेबोरेटरी है या खेल का मैदान है, तो ये सब जो हम लोग खुद लगते थे करते थे। तो अभी अभी जब उस सामाजिक स्तर पे आप जुड़े और अभी के अंतर में कितना डिफरेंसेस लगता है, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं कॉलेज से ही, तो आपके दरमियान में तो काफी डिफरेंसेस आया होगा बिहेवियर में, बच्चों के बिहेवियर में और संस्था के बिहेवियर में, क्या लगता है आपको? बच्चों के बारे में है कि आज जो बच्चों जो जिन बच्चों ने हमारे साथ मिलकर काम किया वो सब कहीं ना कहीं अपना स्थान कॉलेज स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, स्टेट स्तर पर, नेतागिरी के स्तर पर, समाज सेवी के स्तर पर आज भी वो स्थापित है, जिसमें कई बच्चे जो हैं जो राष्ट्रपति से भी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इन बच्चों का जो मार्गदर्शन किए, जो जो हमारे सानिध्य में रहे, वो बच्चे आज कहीं ना कहीं एक एक संगठन को अच्छे ढंग से चला रहे हैं, चाहे विद्यार्थी परिषद हो या एनएसएस का हो, एनसीसी का हो, या शहर के कई अन्य संगठन जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके तब के कॉलेज के स्ट्रक्चर और अभी के बिहेवियर में मतलब बच्चों का टीचर के प्रति लगाव, क्योंकि आप तो बहुत सारा लंबा अरसा देखे और सामाजिक कार्यों में जुड़े रहे कॉलेज के स्तर पे, बच्चों के साथ उनका सानिध्य रहा, तो अब के अगर देखा जाए जब आप रिटायर किए तब के और पहले के वातावरण में डिफरेंसेस है कि उसी तरह से चीजें हैं? बच्चे उस समय बहुत खुशी होती थी जब कहीं बच्चे आते थे और पैर छूते थे, बड़ी बेहद खुशी होती थी, लगता था कि यही यही हमारी पूंजी है। ये बच्चे आज भी जो पैर छूते हैं एकदम भीतर से लगता है कि भाई यही यही प्रतिष्ठा ये खुशी पहुंचाती है और इसी में पूरा जीवन समर्पित है। मैंने सब बच्चों के लिए, बच्चों का कोई हम बच्चों का घर द्वार और नहीं, तो ये डिफरेंसेस आप देख रहे हैं अभी के बच्चों में, अभी के बच्चों में ये लगता है कि कुछ ज्यादा, जैसे पहले तो बहुत सारी चीज का उन लोग से डायरेक्ट संपर्क रहता था, आते जाते थे, अभी रिटायरमेंट के बाद सब जुड़े हैं, आते जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से
दूरी बढ़ते जा रही है, क्योंकि वो लोग भी अपना नया जीवन स्टार्ट करने के बारे में नौकरी के चलते। अच्छा सर, एक बात ये पूछूंगा, जब आप ज्वाइन किए थे तब का कॉलेज का माहौल, जब आप रिटायर हो रहे थे तब कॉलेज का माहौल, दोनों में क्या समानता थी, समतुल्य था, या काफी डिफरेंसेस हो गया था? माहौल की बात कर रहा हूँ। अब पढ़ाई का माहौल हम लोग को याद है, महाराजा कॉलेज में जब पढ़ने आते थे तो यहाँ महाराजा कॉलेज में जो अपने समय में 7 बजे से क्लासेस चलती थी और 12 बजे तक रेगुलर चलता था, पैक्चर चलते चलते 4 बज जाता था। उस स्थिति में गांव से आना, मैंने 7 बजे आना है क्लास करने है, तो धमार से बस से चल के आते थे और फिर शाम को जाने, फिर बाद में तो रात को आना पड़ता था। और ये क्या कहें, हम अपनी बात कहने पर अभी कैसा लगेगा कि मैं 2-4 दिन बड़ी मठिया में रहा। अच्छा, रात हो जाती थी रात हो। तो वैसा भी समय देखे, बाद में किराया पर भी, उस समय की भी बड़ी हनुमान जी की कृपा है कि रहने के लिए जो लॉज हम लिए वो हनुमान जी मंदिर में ही, करमन टोला जहाँ अभी हम लोग का दुकान भी है, तो उसी मंदिर में रहे, वही मंदिर से IAC BSC किए। तो और घर भी संयोग से हुआ तो हनुमान मंदिर के पास भी हुआ, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी की बड़ी कृपा रहती है, इसलिए हनुमान जी का सेवा में लगा। जैसे कि सर के बारे में मैं बताऊं आपको, ये स्कूल स्तर पे कॉलेज स्तर पे तो सामाजिक कार्यों में संलग्न थे ही, रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अभी भी इनका रिटायरमेंट के बाद चहलकदमी कम नहीं हुई है, सभी जगह ये प्रेजेंट रहते हैं, और इसके बारे में इन्हीं की जबानी सुनेंगे हम लोग। मैं 97 से रोटरी आरा वेस्ट, यहाँ एक क्लब बना हुआ था रोटरी क्लब का, रोटरी इंटरनेशनल का ही एक हिस्सा बना, और उसके सेक्रेटरी मतलब संस्थापक सेक्रेटरी बने, और इसके अध्यक्ष उदय बाबू एडवोकेट थे। उस समय से लेकर 2015 तक रोटरी के माध्यम से लगातार, चाहे सामाजिक का हो, चाहे छठ जैसा पूजा हो, कि इसमें कलशुभ नारियल बटने की बड़ी व्यवस्था होती है, सफाई की हो, हेल्थ सर्विस हो, और बच्चों को मदद पहुंचाने की बात हो, ये 97 से लेके 2015 तक लगातार होते रहे जी। और उसी क्रम में रोटरी इंटरनेशनल के सभी फंक्शन में दूसरे दूसरे स्टेट तक जाके आदमी काम किया है। तो ये एक रोटरी आरा वेस्ट की बात है। इसी तरह से रेड क्रॉस सोसाइटी का मैं 10 नंबर पर इसका मेंबर हूँ, अस्थाई जो मेंबरशिप है, और उस समय से लेकर तो आपसे जुड़े हैं सर, ये तो ऐसे 82 से ही जुड़े हैं, लेकिन लेकिन वो उतना हम नहीं, हम ये खाली बताना चाहते हैं कि ये सबका संयोग ही या हमारे स्वभाव से जो भी हो, ऐसा जब से कमिटी का गठन हुआ रेड क्रॉस सोसाइटी में, तब से लेकर आज तक लगातार कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं हुआ जो हमको स्क्रूटी कमिटी में नहीं रखा, सबने रखा संपर्क रहा, और सबका साथ मिलकर काम करते रहे और आज भी काम करते रहते हैं। आजकल रेड क्रॉस की विशेष जिम्मेदारी ब्लड डोनेशन जो कमिटी है, कोऑर्डिनेटर है, उसके कोऑर्डिनेटर है, और लगातार मेरा एक ही काम रहता है कि मैं ब्लड बैंक को ज्यादा से ज्यादा समृद्ध बना सकूं, ताकि लोगों को आपातकाल में जान बचाई जा सके। मैं इस रेड क्रॉस का सेक्रेटरी भी रहा हूं, और आज भी IIGT काम करने का जो हमारा जज्बा है वो आज भी करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी संस्थाओं से मिलेंगे, एक दो बता देते तो दर्शकों को बहुत आनंद आता। इसके बाद भी बता दें कि मैं लवारी सेवा केंद्र का 3 साल से सेक्रेटरी रहा, उसके माध्यम से भी जो वहाँ जो ये लवारी से लाशों की जो सेवा की जाती है, उनका दाह संस्कार किया जाता है, उनमें भी बराबर सहयोग में रहा, और उसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्रीमान लाल दास राज जी, उनके साथ से DN सिंह के साथ से लगातार जो भी लवारिस में काम कर लवारिस जो होते हैं उनके लिए जो विधि व्यवस्था है उसके हिसाब से दाह संस्कार किया जाता है। अभी सर सामाजिक स्तर पे बहुत सक्रिय है, ज्यादातर टाइम आपका किसमें इन्वेस्ट हो रहा है, जा रहा है? मैं ज्यादा समय तो ये एक हनुमान जी हनुमान मंदिर है,
हनुमान मंदिर मैं तो इतना दिन से करते करते, बाकी अब लगता है कि जो अस्थाई जो सेवा हनुमान जी के साथ में, मतलब पुकार सुना है भगवान ने, हनुमान जी के साथ में रहना चाहता, चूंकि विरासी जीवन से इन्हीं के सानिध्य में रहा और 2005 से मैं 2004 में कमिटी यहाँ बनी हुई थी महादेवा के, और 5 में जब से इसका अध्यक्ष बना, उस समय छोटे हनुमान जी थे, आज हनुमान जी के लिए बड़ा मंदिर गुम्बद से लेके सब बन चुके हैं, और ये खूबी है मंदिर की कि मंदिर के लिए सारे कुर्सी टेबल माइक अपना हर व्यवस्था अलमीरा, और सबसे बड़ी बात है कि 125 वर्ष बाद पहली बार हनुमान जी का एक पत्रिका निकाला गया, और इसलिए कि इसका कोई डॉक्यूमेंट्री कहीं था नहीं, और कई हमारे 2-3 पूर्वजों ने इसमें जो सहयोग किया सबका हम लोगों ने जिक्र करते हुए इसका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ बनाया कि नहीं हनुमान मंदिर। और एक बात और है कि हनुमान मंदिर इनके कृत्य की वजह से हनुमान मंदिर जिसकी बात कर रहे हैं काफी सबल हो चुका है सर, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। इसके बारे में ये है कि हनुमान जी जो लकड़ी के हैं और प्रभु श्री राम वो भी आर्टिफिशियल बने हुए हैं, जो रामनवमी में यहाँ से पूरे शहर में रथ के साथ हनुमान जी का जो अपना रथ है वही रथ भी शहर में निकलता है, उसी रथ पर बैठाए जाते हैं, और यहाँ से 2 बार रथ निकलता है, पहले तो हनुमान जी के लिए निकलता था, अब सिद्धराम चूंकि वहाँ भी रामनवमी समिति के माध्यम से वहीं से जुलूस निकलता है, तो पूरी 2 भगवान प्रभु श्री राम के लिए और श्री हनुमान जी के लिए रथ स्पेशली है, वो रथ पर बैठते हैं, वहाँ से सवार होकर यहाँ से निकलते हैं, शहर का भ्रमण करते हैं, यहाँ आते हैं, और हनुमान जी के की कृपा से सारा व्यवस्था जो मंदिर में एक होना चाहिए फंड से लेकर सारी अपनी व्यवस्था है, कुर्सी टेबल माइक CCTV कैमरा से लेकर सारा चीज अपनी सुविधा है, और हनुमान जी के फंड में 1,25,000 का फिक्स डिपॉजिट भी है, अकाउंट्स में भी है, तो ये सब पारदर्शिता के साथ इस मैगजीन में अब तक का सारा ऑडिटेड अकाउंट लगाया हुआ है कि भाई सब चीज ओपन रहता है, हनुमान जी की कृपा है। तो देखिए आज के दौर में इतने ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना भी बड़े उत्तरदायित्व का काम है, क्योंकि कहीं ना कहीं भावनाएं आए मतलब उस तरह की हो जाती हैं तो लोग गलत कर बैठे हैं, लेकिन सर के साथ ऐसा है, ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे लोग भी हैं जो ज्यादातर अपने पैसे लगा के इन सब संस्थाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। सर एक बात और है कि आप पत्रकारिता से भी जुड़े हुए, आपका एक पेपर जो है उसके बारे में बताइए। मैं थोड़ा सा पीछे चर्चा कर लूं तो हम श्री पद्मराज कुमार जैन जी जो शुरू में आनंद ज्योति निकालते थे उनके साथ भी रह के काम किया हूं, फिर उसके बाद नीलय उपाध्याय जी का जो यहां से पत्र निकलता था उसमें भी हम लोग रहे, और दैनिक जागरण में मृत्युंजय जी के साथ भी काम किया, उसके बाद राष्ट्रीय सागर अखबार में 2 साल से लिखता था, चूंकि एजुकेशन से जुड़ा था तो स्कूल कॉलेज ही मेरे लिए सबसे अच्छा था, उसको लिखते रहे, और अभी राष्ट्रीय सागर अखबार के चीफ हैं, ब्यूरो प्रमुख हैं जो काम देख रहे हैं, इसी तरह से अपने आप को हर समय एंगेज रखा, लिखने पढ़ने में मन लगता है, चूंकि अच्छा लगता है कि कई संगठनों में और अपनी तरफ से भागीदारी निभाते रहते हैं। सर थोड़ा सा अपनी पारिवारिक अभी आपके परिवार में कौन कौन है, आपकी फैमिली में मतलब वाइफ बच्चे ये सब थोड़ा सा बताते तो। मेरे परिवार में मेरी शादी जो हुई है 1984 में हुई, और मुझे एक 2 बेटियां हैं, एक लड़का है, दोनों बेटी की शादी हो गई है, ये एक बेटी पुणे में है, दूसरी अभी बैंक में है जो यहाँ पर ट्रांसफर, क्योंकि उसका छोटा बच्चा था इसलिए हम लोग यहीं पर ट्रांसफर होके आई हुई है, एक लड़का उसका भी शादी हो गया, ये अभी कोलकाता में है, ये हमारी फैमिली है, हमें अपने सब फैमिली के साथ
खुश मैम भी हाउसवाइफ थी कि कुछ करती थी वो भी? नहीं, वो भी मेरे ही सहयोगी में रही। अच्छा, एक, अच्छा, एक, अच्छा। एक एक दुकान भी सत्यम कंप्यूटर करके था जिसमें वो भी कंप्यूटर चलाती थी। और हम लोग पहले तो बहुत से 5-7 वर्कर काम करते थे, लेकिन बाद में लगा कि भाई हम लोग को उतना नहीं है अपना एंगेजमेंट, तो पत्नी दिन भर टाइप करती थी। तो देखिए यहाँ भी पत्नी का सहयोग रहा तभी ये दूसरे सेगमेंट में काम कर सके। इतनी समय मिला इनको, मतलब मैम ने समय दिया कि वो कुछ चीजें संभालती थी और सर को मौका मिलता था दूसरे साइड में। क्या सर ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है कि हमने जो इतना काम जो कह रहे हैं उसके पीछे पत्नी का हाथ है कि ये रहती थी और मैं दिन भर बाहर जाता था, घूम फिर के शाम को आता था, तो तभी जाके कोई काम संभव होता था, अन्यथा मतलब परिवार संभाल लेती थी। परिवार संभालती थी और सब, चूंकि बेटा बेटी सब बाहर ही थे तो इनको अकेला रहा, इसलिए इनको यहाँ पर बैठती थी और हम दिन भर अपना काम में लगे रहते थे। तो ये हम लोग का एक दिनचर्या था और इसी दिनचर्या में सारा काम होते रहते थे। और भी अगर संगठन की बात करें तो कभी कैलाशपति सिंह, इनका भी जो हमारा संगठन, ये कौन सा संगठन है? कवि कैलाश स्मृति संस्थान जो है, जो अभी आरा कलेक्ट्रेट में, इसी जगह पर उनको अंग्रेजों ने मार मार कर शहादत मिली थी उनको। हाँ, शहादत इसी कलेक्ट्रेट झंडा फहराने के क्रम में हुआ था। तो वो भी समिति को 1992 से लेकर लगे ये आजादी से पहले की बात है। ये 1928 सितंबर 1942 को ही शहीद हुए थे। तो उस समय से लेकर, समझ लीजिए, कहने का मतलब इतना ही है कि 1942 में शहीद हुए और उनके बाद इनका नाम लेने में 1992 में जाके समिति बनी। इतना दिन तक वैसे शहीद को लोगों ने, जिला ने भुला दिया थी, तो वैसे शहीद को भी हम लोगों ने स्मरण किया और करते करते आज उनका स्मारक स्थल कलेक्ट्रेट में स्मारक स्थल बना हुआ गेट है। तो ये सरकार सुनने में आता है कि आप अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से भी जुड़े हुए हैं। ये ठीक बात है कि सबसे पहले उसकी भी घटना है कि बाबू बाजार में एक चित्रगुप्त मंदिर पुराना है जो 1887 का है, और उस मंदिर का जब मैंने डीड पढ़ा, देखा, तो डीड में जो इनके लाला बेनी प्रसाद जो है, जिन्होंने डीड लिखा है, वो अपना खंड खंड जमीन खरीद के इसे एक ट्रस्ट बनाते हुए अपना एक मंदिर बनाए और उस मंदिर में व्यवस्था किए थे कि यहाँ पूजा होगा, माली भी रहेगा, प्रसाद के लिए पंडित जी रहेंगे, यहाँ लड़के पढ़ेंगे, विधवाएं रहेंगी, गरीब लोग रहेगा, उसके लिए अलग अलग फ्लैट बने हुए थे। और जब पढ़ उड़ के देखता था तो बड़ा लगता था कि भाई इतना बड़ा मंदिर है, इतने लोग हैं और सब लोग यहाँ कोई ना कोई दखल करके उसको अपने कब्जा मिले, तो इसके लिए पूजा का प्रयास किया और संगठन बना। और 1992 में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का सेक्रेटरी बना और समय से सक्रिय अभी तक, और 92 से लेकर 5 तक तो सेक्रेटरी रहे। उसके बाद से लोग को लगा कि ये तो अपने बन गए हैं, इसलिए उसके बाद से हमने कहा कि नहीं, अब कोई पदाधिकारी नहीं रहेंगे, अब केवल वर्कर हैं। और आज भी उसी भाव से पूजा से लेकर जो भी कार्यक्रम होते हैं समाज का, मैं सर दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप इतनी चीजों में कैसे निपुणता के साथ काम करते थे। बड़ी मतलब ये क्वेश्चन है कि इंसान क्या क्या कर सकता है, तो सारी चीजें सारी संस्थाओं से जुड़ के आपने इतना कुछ कैसे संभव कर पाया? काम करने वाले के लिए सब रास्ता है सर, लेकिन इतना बताएं उसके बाद भी अभी प्रतिभा को समिति, उसके माध्यम से बच्चों में शिक्षा और चिकित्सा के लिए काम होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक समिति, उसके माध्यम से सारा काम होते थे जो बच्चों को प्रेरित करने के लिए। आचार्य सिपिजन सहाय, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के नाम पर ये यहाँ हम शुरू से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, यही बच्चे समाज में आगे बढ़ेंगे, देश का भविष्य बनेंगे, इसलिए बच्चों के प्रति विशेष लगाव लगा रहा और बच्चों को हर बार
प्रेरित करने का काम करते हैं कि बच्चे आगे बढ़े। हमको कोई कभी तो सर कुछ ऐसे बताइए कि नवयुवक कैसे आपकी जैसी चीजों पे जुड़े, उनके लिए क्या ऐसा चीज करें कि जिससे कि आप जैसे कर पा रहे हैं, अभी भी इतने सक्रिय हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? आजकल बच्चों में जो एक ट्रेंड है, गलत आदत जो बढ़ रहा है, वो एक मोबाइल के प्रति तो बहुत अनवांटेड इसका उपयोग कर रहे हैं। हालांकि मोबाइल हम लोग भी देखते हैं, और उसमें मैं केवल प्रेरक प्रसंग ही किसी का पढ़ता हूँ, चाहे राजेंद्र बाबू का हो, या सुभाष चंद्र बोस का हो, या गांधी जी का हो, या भगत सिंह जी का हो, सबका प्रेरक प्रसंग पढ़ते हैं। और बार बार कहते हैं कि बच्चों, अगर आपने किसी महापुरुष के इतिहास को पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और इसीलिए हम लोग बच्चों को हर कार्यक्रम में भागीदारी लेते हैं, जाते हैं, आते हैं, उन सबको मोटिवेट करते हैं कि आप आगे बढ़िए, आप ही का भविष्य है, और आप आगे बढ़ेंगे तो देश का कर्णधारा देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो चलिए इतना कुछ बात हुई, अब हम लोग एक रैपिड फायर खेलते हैं। सर वो कहेंगे लोगों का सामने करना, में पहला क्वेश्चन सर ईमानदारी, क्या कहेंगे? जीवन का मूलभूत आधार ईमानदारी। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपकी अपनी पत्नी को एक शब्द में बताना हो, पूरी व्याख्या करनी हो, कौन सा शब्द उनके लिए उपयुक्त होगा? जीवन का आधार। जीवन की आधार। एक कहा जाता है सर, एक और क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है, अगर एक दिन के लिए आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कौन सा कार्य है जो सबसे पहला करेंगे? तो एक क्या है? एक समान शिक्षा, मतलब शिक्षा बहुत जरूरी है, एक समान शिक्षा हो तो, मतलब सिविल पैनल कोड की बात कर रहे हैं, उसमें ये भी आ जाता है, इसलिए कि शिक्षा से ही सारे चीज जुड़ा हो। शिक्षा ठीक होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है, मौका मिल रहा है, फैमिली मेंबर में ये है कि उनको नहीं ले जाना, किसी भी फैमिली में किसके साथ जाना पसंद करेंगे, कोई भी हो सकता है? मुझे तो जो कॉमेडी वाले अपने जो दोस्त हैं उनके साथ है ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए उन्हें दोस्तों के साथ जाना चाहेंगे। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको अभी तक का जो मिला है, कोई भी हो सकता है देने वाला, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट जो कि आपको दिल खुश कर देता है, बाग बाग हो जाता है, करीब इतना खूबसूरत बात का किसी ने बोला। कई बार पत्नी जो दूसरे से बोलती है कि बड़ी अच्छा लगता है कोई आपकी चर्चा करता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट आपको लगता है कि पत्नी ने इतना बात किया? हाँ, पत्नी कभी कभी चर्चा करती है कि ऐसे बोली तो तब भीतर से लगता है कि भाई चलिए, आत्मिक संतुष्टि होती है कि पत्नी बोलती है कि इसने ऐसा कहा, तो वो अच्छा लगता है कि पत्नी ने कहा। ठीक है, अब लास्ट में एक बात कुछ कहना चाहे आप दर्शकों के लिए, वो बोल सकते हैं। मैं सभी युवाओं से खासकर कहना चाहते हैं कि जिंदगी एक निश्चित समय के लिए ही मिला है, इसमें अपने बनना है और समाज के लिए करना है, राष्ट्र के लिए करना है, और इसी में कब जाना है समय नहीं है, मालूम नहीं है किसी को, इसलिए यथा संभव जो भी काम हो उसे पूरा करते चले, यही हमारा अनुरोध है, संदेश है, और जीवन का लक्ष्य भी है कि सब काम को समय रहते पूरा कर लिया जाए।